चलो नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष और आरएस जंक्शन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, आवाज में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रही होगी कि आप साइंस की क्लास में तो मेरी ऐसे स्पष्ट आवाज देखते हो, लेकिन इस वाली क्लास में थोड़ा सा मेरा गला थोड़ा खराब हो गया है। लेकिन आज हम पढ़ेंगे जन सूचना पोर्टल। देखो, राजस्थान में काफी बड़ा एक रिवोल्यूशनरी प्रयास किया गया है जन सूचना पोर्टल का। तो ये जन सूचना पोर्टल है क्या, क्यों लॉन्च किया गया, इसके बैक में क्या चीजें हैं, इससे क्या फायदा होगा राजस्थान की जनता को, इन चीजों का ही हम इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट के जरिए पूछ लेना। बाकी तो आप और दूसरी क्लासेस देख ही रहे होंगे, तो ठीक है, तो शुरू करें। देखो, राजस्थान जन सूचना पोर्टल राजस्थान सरकार ने लॉन्च कर दिया है, और मैं एक बार पेन शुरू कर लेता हूँ ताकि आप कुछ लिखना होगा तो साथ का साथ लिख भी लूंगा। हाँ, तो देखो इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है सरकारी विभागों की जानकारी आम जनता तक पहुंचाना। सीधा सा उद्देश्य एक ही है, जो भी जानकारी होगी उसको आम जनता तक पहुंचाना। अच्छा, बहुत 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 साल पहले यानी कि 2005 में एक जन सूचना का अधिकार लॉन्च किया गया था। इसकी धारा थी 4.2। जन सूचना का अधिकार 2005 तो आप जानते ही होंगे, आप लोगों को, बहुत लोगों को पता होगा कि जन सूचना का अधिकार जो लागू हुआ था कब से लागू हुआ था। आप एक बार देखिए कमेंट बॉक्स में बताना कि जन सूचना का अधिकार कब से लागू हुआ था। 2005 तो है, लेकिन लागू कब से हुआ था। ठीक है, उसकी भी कोई फिक्स डेट होगी जिस दिन जन सूचना दिवस मनाया जाता है अपना। ठीक है, तो वो आप ले एक बार कमेंट में बता देना। अब देखो यहां पर क्या है कि इसकी एक धारा है 4.2। 4.2 साफ साफ कहती है कि प्रत्येक लोक अधिकारी का यह निरंतर प्रयास होगा कि वह उपधारा एक के खंड खे की अपेक्षाओं के अनुसार, यानी कि उपधारा एक में क्या है, कुछ चीजें दे रखी है कैसे कैसे किस किस चीजों पर प्रयास किया जाएगा, सूचना के अधिकार में क्या क्या चीजें होगी, उनके अनुसार खुद की मर्जी से नियमित अंतराल में जनता को सूचनाएं देते रहेंगे। और जब जनता को सूचनाएं जाती रहेगी कंटिन्यूअसली, इंटरनेट के माध्यम से दो या कैसे भी दो, लेकिन जनता को आपको सूचनाएं प्रोवाइड करवानी है। ये सीधा सीधा लिखा हुआ है धारा 4.2 में। और इसी धारा 4 के उपबंधों का अनुसरण करते हुए राजस्थान सरकार ने देश में पहली बार एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है, और वो कदम है जन सूचना पोर्टल का। ये उसी के प्रयासों से है। अब ये किसने डेवलप किया है, तो जन सूचना पोर्टल डेवलप करने का काम किया है सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने। ठीक है, और इसके लिए एक ऐप भी डेवलप की जा रही है। वो ऐप भी जन सूचना मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करने का कार्य भी जारी है। कुछ दिनों में आपको सूचना मिलेगी कि वो ऐप भी डेवलप की जा चुकी है। अब इसमें एक और चीज है, इस पोर्टल के द्वारा एक ही प्लेटफॉर्म पर 13 विभागों की 22 सेवाएं इसमें प्रोवाइड करवाई जा रही। अब यहां ध्यान देना, 22 सेवाओं की सीधी सीधी बात लिखी हुई है, लेकिन इससे भी ज्यादा वर्तमान में प्रोवाइड करवा रहे हैं। यानी कि टोटल अभी वर्तमान में जो आप देखोगे ना, तो लगभग 24 सेवाएं या 26 सेवाएं, अभी मैं आपको बताऊंगा, ये अभी वर्तमान में प्रोवाइड करवा रहे हैं। डायरेक्टली जन सूचना पोर्टल की जो साइट है ना, उसका ही स्क्रीनशॉट मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। बाकी इसमें जो है ना, ग्राम पंचायतों के स्तर पर जहां पर भी जैसे ई मित्र सेंटर्स बने हुए हैं या कुछ अटल नवाचार केंद्र वगैरह बने हुए हैं, वहां पर ई मित्र प्लस कियोस्क लगे हुए हैं, उन ई मित्र प्लस कियोस्क पर भी ये सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। अच्छा, एक बार मैंने आप लोगों को बताया था, शायद आप लोगों को नहीं बताया, शायद अनअकेडमी पे बताया था। ठीक है, तो उसमें क्या है कि एक पीले कलर के ई मित्र कियोस्क होते हैं, आपको पता है ना, उसमें बिल्कुल कंप्यूटर की जैसे होते हैं, एक कंप्यूटर लगा रहता है और आपका पूरा प्रिंटिंग वगैरह, आपको कुछ भी चाहिए ना, वो सारी चीजें आपको सरकार की जो भी सेवाएं होती है, जैसे आपको कोई बिजली का बिल जमा कराना है या आपका कोई ऐसे भामाशाह से कोई चीज प्रिंट करवानी हो, तो वो सब चीजें वहां पर ई मित्र प्लस कियोस्क के माध्यम से आप लोगों के अवेलेबल हो जाती है। अब ये चीजें प्रोवाइड करवाने वाला जो है ना जन सूचना पोर्टल जैसी, ये राजस्थान में, राजस्थान देश में ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां कई सेवाएं प्रोवाइड करवाई जा रही है। हमसे क्वेश्चन पूछेंगे एग्जाम में डायरेक्टली कि कितने विभागों की सेवाएं इसमें प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम इस स्लाइड पर आएंगे, अभी मैं बताऊंगा। ये आप इस जन सूचना पोर्टल का ओरिजिनल स्क्रीनशॉट है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सूचना के अधिकार की धारा 4.2 को क्रियान्वित करने का हमारा लक्ष्य है। ठीक है, सरकार ने वैसे भी बजट 2019-20 में लोक सेवकों की जवाबदेही को तय करने के लिए और सार्वजनिक जवाबदेही कानून लाने का भी फैसला किया था। ठीक है, और उसी को ध्यान में रखते हुए जन सूचना डॉट राजस्थान डॉट जीओवी डॉट इन नाम से इन्होंने इस पोर्टल को लॉन्च कर दिया।
अब इसमें आप देखना कौन कौन सी सेवाएं हैं। महात्मा गांधी मनरेगा यानी कि मनरेगा श्रमिक जन जानकारी, SBM शौचालय यानी कि सैनिटेशन बेनिफिशरीज शौचालय लाभार्थी, जो भी शौचालय के लिए जो पैसा दिया जाता है ना 12,000 रुपये, वो 12,000 रुपये का भी यहाँ पर आपको जानकारी पूरी मिल जाएगी। ई पंचायतें, मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना, ध्यान देना अच्छे से, मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना में वर्तमान में कितनी दवाइयों को लॉन्च किया गया है, कितनी दवाइयां जारी है, मतलब तो ध्यान देना, पहले 608 दवाइयां हुआ करती थी, इस बार बजट में 104 और दवाइयां बढ़ा के अब 712 दवाइयां इसमें दी जा रही है। तो उनकी सारी जानकारी इसमें मिलेगी। आयुष्मान भारत योजना की जानकारी आपको सारी इसमें मिल जाएगी। ठीक है, अभी आपको पता होना चाहिए, करंट यही है कि टोंक से भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना आप लोगों ने सुनी होगी। ठीक है, तो भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना जिसमें 30,000 से लेकर 3 लाख तक का जो बीमा कवर किया जाता था, उसको अब टोंक से आयुष्मान योजना में शामिल करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा चुका है। ध्यान से सुनना, ये साइट मोबाइल में ओपन नहीं हो रही है सर। मोबाइल का इसका वो नहीं बना होगा अभी, जस्ट इसका एक वर्जन होता है साइट का पूरा, जो मोबाइल पर भी चलता है, तो वो नहीं बना होगा इसलिए ओपन नहीं हो रही होगी। ठीक है, सूचना का अधिकार, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राजस्थान किसान कर्ज माफी, अल्प फसली ऋण 2019 जो वितरण किया गया था, साला दर्पण, ये देखो साला दर्पण है ना, ये ध्यान देना एक पोर्टल है, जो शिक्षक क्या करते हैं, जो मैन हेडमास्टर जो होता है वो क्या करेगा कि पूरी जानकारी बच्चों की सारी इस दर्पण पर प्रोवाइड करवाता पर डे, विशेष योग्य जनों की जानकारी। इसके अलावा आप देख सकते हो 26 टोटल सेवाएं इसमें प्रोवाइड करवाई जा रही है, 26 सेवाओं की जानकारी इसमें प्रोवाइड करवाई जाएगी। पालनहार योजना, छात्रवृत्ति, श्रमिक, खनन, ठीक है, ये सब जानकारियां इसमें प्रोवाइड होगी। ठीक है, अब ध्यान देना एक चीज, ये जो प्रयास है ना, ये प्रयास है राजीव इनोवेशन विजन का। अभी सरकार ने 2 दिवस का, ठीक है, पहले राजस्थान सरकार, पता है आपको, पता हो डीजी फेस्ट नाम से प्रोग्राम करती थी, डीजी फेस्ट, कुछ 5 DG फेस्ट राजस्थान सरकार ने किए थे। इस बार राजस्थान सरकार ने क्या किया, अगस्त में 19 अगस्त और 20 अगस्त को राजीव राजस्थान इनोवेशन विजन यानी कि राजीव राजस्थान राज इनोवेशन विजन, ये हो गया राजीव, राजीव नाम से सरकार ने 2 दिवसीय प्रोग्राम लॉन्च किया है, ये पूरी ANI की न्यूज है। ठीक है, इसमें क्या किया था, ये बिरला ऑडिटोरियम में विजन था, और इसमें क्या किया कि मतलब एक तरह से कई इनोवेशन इसमें किए गए, जैसे राजीव गांधी इनोवेशन एंड स्टार्टअप मिशन, ई साइन डाटा सेंटर्स, आधार डाटा वॉल्ट लॉन्च कर दिया गया, धारा और रिवेन्यू ऑफिसर ऐप लॉन्च की गई, स्टेट सहकार पोर्टल लॉन्च किया गया, मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई। ठीक है, कई ऐसी एप्लीकेशंस भी इसमें लॉन्च की गई। उसी के साथ सरकार ने फैसला लिया कि हम क्या करेंगे, एक जन सूचना पोर्टल भी लॉन्च करेंगे। तो ये थोड़ा सी कुछ जानकारी है इसकी, जिसको आप लोगों को ध्यान रखना है कि राजीव इनोवेशन मिशन क्या है, उसकी पूरी जानकारी, एक तो कि इसमें क्या क्या किया गया इस बार वाले में। अब सरकार क्या करेगी, हर वर्ष ऐसे ही करेगी, जब 19-20 अगस्त के आसपास का टाइम होगा ना, तो उस दौरान 2 दिवसीय प्रोग्राम लॉन्च करेगी, जैसे डीजी फेस्ट होता था पहले। अब डीजी फेस्ट तो करेगी नहीं सरकार, सरकार ने कई नामों को चेंज करके वैसा का वैसा ही कर दिया। बजट में भी सरकार ने ऐसी घोषणाएं की है ना, कि आपको पता है एक भामाशाह कार्ड का नाम अब बदल कर राजस्थान जन आधार योजना कर दिया गया। ठीक है, पता है ना इस चीज का। ऐसे ही आपको पता होगा कि किसानों को भी जो एक प्रोग्राम चलता था ग्राम, उसका भी नाम बदलकर अब दूसरे तरीके से 10 हमारे जो भी जलवायु केंद्र है ना, उन कृषि जलवायु केंद्रों में स्पेशली प्रोग्राम्स लॉन्च करने के लिए अब सरकार उसको भी लॉन्च करने वाली है, ये भी घोषणा इस दौरान ही की थी। तो ये सारी जानकारी है, ठीक है, इसकी, तो इसी को लेके ये पूरी जानकारी आप लोगों के प्रोवाइड हो गई है। अब किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मेंशन कर देना। ठीक है, बाकी आप लोगों को, सभी को धन्यवाद, और क्लास पसंद आती है तो ऐसी क्लासेस हम पर्टिकुलर टॉपिक पर लेते रहेंगे। अगर पसंद आती है तो आप अपना एक बार व्यू बताइए, ठीक है, ताकि हम इस जो इनिशिएटिव है इसको जारी रखें। नहीं, अगर आपको अच्छी नहीं लगती है तो कोई बात नहीं, वो भी आप बताइए, ठीक है, अच्छी लगती है तो वो भी बताइए, ताकि ये इनिशिएटिव पर्टिकुलर एक टॉपिक को लेके जो करंट का रहेगा उसको लेके हम कंटिन्यूअसली ऐसी क्लासेस 5-5, 6-6, 7-7 मिनट की क्लासेस हमारी चलती रहे। ठीक है, चलो धन्यवाद।